कारखाने में मजदूर का काम करने वाले पिता ने बेटी को वो दिया जो कई कारखानों के मालिक भी अपनी बेटियों को नहीं देते हैं, अपना साथ। थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया। और दिखा दिया कि ये नया भारत है, यहाँ सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ पैसों के अभाव में रात भर ऑडिशन वेन्यू के बाहर खड़ी रहने वाली मजदूर की बेटी भी इंडियन आइडल बनने की दावेदार बनती है। जब तो जहद में भी जो ढूंढ लेती है जॉय, आज अपना ड्रीम डेब्यू करने आ रही है देबोस्मिता रॉय। पापा देबोस्मिता? हाँ मैम, पापा नहीं एक्चुअली आया, बट पापा बोला कि इतना बड़ा बड़ा लोग है तो उधर मैं बैठूँ, इतना बड़ा हिम्मत मेरा नहीं है, इसलिए मेरे पापा पीछे बैठ रहे हैं। क्या बात कर रही है, सच में? हाँ मैम, सच बात। मैं बुला के लाती हूँ, मैं खुद लेकर आऊँगी। सर नमस्कार, आइए ना, आइए 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 आइए, कम। धर्मपत्नी वहां बैठी है, वो देखिए, और आपकी वो सेलिब्रिटी बेटी वहां है। क्यों नहीं आ रहे थे आप? এখানে এত বড় প্ল্যাটফর্ম, এত বড় বড় মানুষ, এত নামী দামি মানুষ সব আছে, এখানে আমার আসতে নিয়ে গেছে, এত ছোট লাগছে, মানে আমার সেই হিম্মতটা নেই, সেই জন্য আমি বাইরে বসেই দেখছিলাম। सर मुझे आपकी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है, बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि जितना हम सब हकदार हैं यहाँ पर होने के, उतना ही हकदार आप हैं। जितनी हमने मेहनत की है उतनी ही आपने की है, बस हमारी फील्ड्स अलग हैं, बाकी सब सेम है, हम बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो शो है ना, ये हमसे नहीं बनता, ये आपके बच्चों से बनता है, जब यहाँ पे स्टेज पे आके गाते हैं, ठीक है? Absolutely. तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके लिए, और आई रिक्वेस्ट नेहा एंड हिमेश ऑल्सो, कि आप ये जो परफॉर्मेंस है देबोस्मिता का, आप यहाँ बैठ कर देखें हमारे जजेस टेबल पे। क्या बात है, क्या बात है। आपने अभी नेहू से कुछ कहा कि यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं तो मैं कैसे आ सकता हूँ? आपकी बेटी एक बहुत बड़ी कलाकार है इसलिए आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जब ऊपर वाले ने कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है तो आप अपने आप को छोटा और दूसरों को बड़ा समझना बंद कीजिए। आपकी बेटी बहुत बड़ी कलाकार है। आप आओ बैठो यार। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारे बीच मौजूद हैं मंदाकिनी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंदाकिनी जी के लिए, और उनका एक बहुत ही खूबसूरत नया गाना आया है माँ ओ माँ, जिसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। और देबोस्मिता जो है, जिससे मैम का डेब्यू हुआ था, वो गाना आज आप गाने वाली हैं, वो भी मैम के सामने, और वो भी अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट देबोस्मिता, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। Thank you.
क्या बात है मंदाकिनी जी, आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है। देबोश्मिता, मेरे लिए तो वही मेरा दिन बन गया जब मैंने मंदाकिनी मैम को स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए देखा आपको। ड्रीम डेब्यू में ही हो सकता है, इंडियन आइडल में ही हो सकता है। आज यहाँ पर मैं हूँ बिकॉज मैं ये जो शो है इंडियन आइडल हमेशा देखती हूँ। वाओ, वन ऑफ माय फेवरेट शोज। थैंक यू। और आपने बहुत प्यारा गाया गाना। थैंक यू मैम, बहुत प्यारा गाया। थैंक यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप गा रहे हैं जैसे मैं गा रही हूँ, और आपके मोहम्मद डैड यहाँ हैं तो नमस्ते जी। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी और हम भी आप में से एक हैं। क्या बात है। एंड मैं आपको वहाँ पर आके गले लगाती हूँ। हाँ मैम प्लीज। बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत सुंदर लग रही। मेरा पूरा आशीर्वाद आपको है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आगे बढ़ें, बहुत नाम कमाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। प्यार की धुन, ओ मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। दो लाइन गाना बजा दिया जाए और मैम की एक लाइव अदायगी अगर देखने को मौका मिल जाए तो हम गदगद हो जाएंगे। ऑडियंस, आप देखना चाहते हैं? नहीं? हाँ, तो हो जाए जोरदार तालियां। Oh,
Thank you so much. Thank you so much. Let's
लड़की पटाखा है, पटाखा नहीं है, आप बॉम्बो आपकी जो आवाज है, आप जो गाती हैं, dude, you're a threat for playback singers, I must say, I'm telling you, जाओ इंडस्ट्री वेट कर रही है तुम्हारा. I am so proud, queen, queen. आपकी आवाज में एक अलग खनक है, वो बहुत कम सुनने को मिलती है और मजा आ गया उसको. थैंक यू सो मच. यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं. ये जगह बिल्कुल भी जन्नत से कम नहीं है और मैं इस जन्नत में फिर से आना चाहूंगा. तुसी कमाल कर देता. आहा, क्या बात है. थैंक यू माम. असली की श्रीवल्ली एकदम माँ. वी वर फीलिंग दैट जी यू वर कंट्रोलिंग योर डांसिंग व्हाइल सिंगिंग. यू वांटेड टू डांस ना, डोंट लाइक, यू वांटेड टू डांस ना. You're an entertainer, yeah. Next you're like one. Swag, she has swag. Yeah. Right now, आज अभी इसी वक्त वो भी ये कह रही थी कि वो रश्मिका के साथ डांस करना चाहती हैं. क्यों आप छुपा रही हैं अपने मन की भावनाओं को? अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे. ओ रेशम का, रेशम का रुमाल गले पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे. मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे. ओ रेशम का ये दिल भर मेरे, ओ ये दिल भर मेरे. मैं तो थी आपने मौसम बदल दिया. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.